आप नॉर्मली अपने मोबाइल खोलो, व्हाट्सअप स्टेटस देखो, इंस्टाग्राम स्टोरीज देखो, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसे तो न चार चूतियाँ हो ही जाएंगे जो कि ये लिखे रहेंगे कि डेस्टिनेशन प्लेस, होम प्लेस, ड्रीम प्लेस केदारनाथ। मतलब लोगों को जो है जाके वहाँ सिर्फ एक सेल्फी लेना है, पूछ दो कि केदारनाथ की स्थापना कब हुई थी, महादेव के कौन से ज्योतिर्लिंग है, क्या है, कुछ पता नहीं है, केवल वहाँ जाना है, आपको एक सेल्फी लेना है। क्यों? क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है भाई केदारनाथ। मूवी कब से रिलीज़ हो गई पता नहीं है, लॉकडाउन हुआ पता नहीं, ये इतना ज़्यादा वायरल कर दिया केदारनाथ को कि लोगों को वहाँ जाके ट्रैकिंग करना है, सेल्फी लेना है, मीम्स बनाना है, वीडियो बनाना है, रील्स बनाना है, मतलब लोगों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जो बात आ रहा है कि देखिए यहाँ जो खच्चर है, यहाँ जो घोड़े गधे हैं, जो बेचारे को जो है लाद लाद के लोगों को 90 किलो, एक एक टन, एक एक क्विंटल लोगों को जो है ले जाके वो लोग आवागमन कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, इसमें उनकी हालत कैसे हो जा रही है आप वीडियोज़ में देख लीजिए, लोगों को जो है ले जाते इनकी हालत कैसे हो जा रही है, इतना ख़राब उनका हालत हो जाता है भाई कि वो लोग मर जा रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ महीनों के अंदर ही जो है 60 से 70 खच्चरों की मौत हो गई। ये तो केवल एक आंकड़ा है, क्योंकि जितने लोगों की मौत हुई होगी, जितना खच्चर घोड़ों की जो है मौत हुई होगी, उसको जो है ऑफिशियल नंबर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि उतना जो है ये लोग बताएंगे भी नहीं। लेकिन वही बात है, अब अभी एक कुत्ता को कुछ हो जाएगा, सोशल मीडिया पे जो है क्रिंज बवाल हो जाएगा, इन लोगों का चूतिया आप इन लोगों का चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड हो जाएगा कि एनिमल क्रुएल्टी है यहाँ पर। अभी जो है इसमें जो है अभी जो है बकरीद के समय में इतने सारे बकरियों को मारा गया, जिसमें मैं एक रिपोर्ट देख रहा जिसमें बताया गया कि जैनों ने जो है कुछ 250-300 बकरियों खरीद ले, क्यों? क्योंकि ताकि उनको स्लॉटर से अर्थात उनको कुर्बानी से बचा सके। ये तो चलो अलग मैटर है। तो वही जो है खच्चर घोड़ों की बात आ रही है, तो बेचारे वो लोग क्या जीव नहीं है? उनके पे एनिमल क्रुएल्टी के क्या टैग नहीं लगता? वो क्या कोई जीव जंतु नहीं है क्या? उनके लिए जो है ये जो एनिमल एक्ट वाले हैं, जो पेटा है, सब जो नाम लोड़ा, ये जो कंपनी बना के रखे हैं इन लोगों ने, एक से एक नाम से एक से बढ़कर एक नाम का जो कंपनी बना के रखा है, ये केवल नाम के लिए है। क्यों? क्योंकि इन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि आप देखिए एक आदमी जो है केदारनाथ की यात्रा के लिए 15-16 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर जो चढ़ना पड़ता है, उसको जो है अपने पैरों से नहीं जाता, वो जो है उस गधे या फिर घोड़े पर बैठ के जाएगा, बेचारे खच्चर पर जाएगा, उसको लेके आएंगे वो खच्चर जो उसको लेके जाएगा, फिर आएगा, फिर कई सारे उसको ट्रिपलिंग कराना पड़ता है, कई बार उसको लाना ले जाना पड़ता है, तो बेचारे पे उतना ज़्यादा उसको खाने को भी नहीं मिलता भाई। घोड़ा हाथ से वैसे कि घोड़ा को जो आप मेहनत करा रहे हो, खच्चर को आप मेहनत करा रहे हो, तो उसको जो है उतना जो है भरपाई में उसको जो है खाना भी तो मिलना चाहिए, वो भी इसको जो है उनको दिया नहीं जाता है, बेचारे को बंधुआ मजदूर की तरह उस जानवरों पर जो है जुर्म किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है लोगों को जो है टूरिस्ट जो टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया केदारनाथ धाम, जैसे इतने जो महान यात्रा होता था, महादेव के जो है इतने बड़े जो धाम है 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो एक आज है, उसको जो है आज ये लोग केवल एक मूवी वायरल करने के लिए, एक जो है अपने रील वायरल करने के लिए, केवल एक फोटो क्लिक करने के लिए, एक सेल्फी के लिए जो है इतने सारे जो है एनिमल क्रुएल्टी की तरफ जो लोग बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है ध्यान ही नहीं देना है कि क्या हो रहा है, खच्चरों पर क्या बीत रही, घोड़े पर क्या बीत रही। आप आए दिन जो है अगर आप एक्टिव होंगे तो आपको ऐसे वीडियो देखने को मिल जाएंगे जहाँ देखिए घोड़े और खच्चर की मौत हो जा रही है, लोगों को कोई मतलब नहीं उससे, इस सब बातों पर जो है लोगों को कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ एक रील बनाना है केदारनाथ जाके, उनको ड्रीम प्लेस दिखाना है, अपने बायो में लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं, उन्हें जो है केवल एक जैसे कि एक आईफोन लेना एक स्टैंडर्ड का सवाल है, उसी प्रकार से केदारनाथ जाना भी लोगों के स्टैंडर्ड का सवाल बन गया है। मतलब आप केदारनाथ नहीं गए तो आपको स्टैंडर्ड नहीं है, आपको सोसाइटी जो है वैल्यू नहीं देगी, आप सोसाइटी में रह नहीं सकते, आपको केदारनाथ जाके एक सेल्फी लेना पड़ेगा, एक रील पोस्ट करना पड़ेगा, बायो में लिखना पड़ेगा सनातनी केदारनाथ में जाके आया हूँ, तभी तो आपको जो है सोसाइटी मान्यता देगी ना भाई, तभी तो आपकी जो है 2-4 गर्लफ्रेंड सेट होगी, फिर जो भी बात है तो आपको तभी महत्व मिलेगा, वरना फिर आप किसी औकात नहीं, आप किसी काम के नहीं है। वही बात है कि लोगों को जो है वो कपड़े धोना तक नहीं आता, लोगों को फ्रिज में जाके बाटल से पानी भरने में जो है दिक्कत आती है, और लोग जो है केदारनाथ यात्रा जाने की बात करते हैं और ऐसे ऐसे बेजुबान जानवरों को जो है इससे तकलीफ दिया जाता है। आप देख ही सकते हैं वीडियोस में कि कैसे उन लोगों को जो है इतना ज़्यादा तकलीफ सहना पड़ रहा है, उनकी मौत हो जा रही है। तो आप किसके बारे में क्या कहना है, ये टॉपिक मेरे दिमाग में बहुत समय से था, लेकिन अब क्या करें भाई, वही बात है कि अंधभक्त वाली बातें बहुत ज़्यादा फैली जाती है कि लोगों को जो है सिर्फ सेल्फी लेने की पड़ी है एक, बाकी जो जानवरों पर जो जुर्म हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो भाई इस वीडियो को बनाने का वही मतलब है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके में दम हो, अर्थात आपके पैरों में अगर दम हो जाने आने का, तभी जाओ कहीं भी की यात्रा करो, ऐसे बेजुबान जानवरों पे जो है जुर्म करना छोड़ दो भाई, उनको भी जीवन है, उन्हें भी जो है जीने का हक है, बिना मतलब को उनको जो है जानवरों को जो है मजदूरों की तरह जो है इधर उधर करके उन्हें जो है उसको उपयोग किया जा रहा है, उन पर इतना ज़्यादा जो है जुर्म किया जा रहा है। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। केदारनाथ महादेव का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उसमें जो भी जो है महादेव को जो है एक पशुपतिनाथ के नाम जाना था, पशुपतिनाथ अर्थात पशु के पति के रूप में नाम, अर्थात पशुओं का नाथ है, उसी वही जो है पशुपतिनाथ है। तो महादेव जो कि पशुपतिनाथ कहलाते हैं, क्या वो चाहेंगे कि आप किसी भी इस ऐसे बेजुबान जानवरों पर जुल्म करके महादेव के दर्शन करने आओ? और आप सही सही में बताइए, आपको क्या सच में इसका फल भी मिलने वाला है कि आप किसी बेजुबान जानवरों पर जो है इतना दुराचार करके, उन पर अत्याचार करके आप जो है केदारनाथ की यात्रा पूरी करते हो, एक सेल्फी लेते हो, एक रील पोस्ट करते हो और आप सेलिब्रिटी बन जाते हो? तो क्या सच में आपको लगता है इस चीज़ का आपको फल भी मिलने वाला है? बिल्कुल घटिया सोच है भाई। तो आप किसी के बारे में क्या कहना है, क्या
आप जो है केदारनाथ गए हो या फिर आप केदारनाथ जाने वाले हो, आपका इसके बारे में क्या कहना है, क्या जानवरों पर जो क्रुएल्टी हो रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।